किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर अमेठी तहसील परिषद में किसानों ने लगाई हुंकार। अमेठी किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष शिव कुमार पांडे की अगुवाई में अमेठी के उप जिलाधिकारी से संबंधित 10 सूत्री ज्ञापन अमेठी नायब तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में ककवा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का संघर्ष करने वाले किसान नेता स्वर्गीय प्रमोद मिश्र के नाम से किया जाए, संलग्न सूची के आधार पर राशन कार्ड बनवाया जाए, सहकारी समितियों पर खाद की व्यवस्था पूजा रूप से किया जाए जिससे किसानों को खाद मुहैया हो सके, जैसे विभिन्न किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर 10 सूत्री मांग पत्र दिया गया और जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई। मांग पर विचार न होने की स्थिति पर जिलाध्यक्ष शिव कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस कार्यक्रम में महिला जिलाध्यक्ष गीता गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष विनय द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष अनिल पांडे, शिव कुमार गुप्ता, विनीत गुप्ता, चिंता तिवारी व जिला मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? आज मैं शिव कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, आज अमेठी प्रांगण में हम लोगों ने किसानों की ज्वलंत समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित नायब तहसीलदार को दिया, जिसमें स्वर्गीय प्रमोद मिश्रा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन द्वारा किए गए अथक प्रयास और जिले के जागरण जन जागरण और किसान हित में काम करने वाले जिनका मर्डर हो चुका है और उनके नाम पर हम लोग चाहते हैं कि ओवर ब्रिज का नाम उनके नाम किया जाए। रोड पे ओवर ब्रिज बनने वाले बीमारी फैलने की अंदेशा है, उसको तुरंत हटवाया जाए। जयरामपुर में राम कुमार वर्मा के गांव में एक लेखपाल के नाम जगदीश मौर्या नाम का लेखपाल है जो भ्रष्टाचार मचाए हुए है और घूस लेकर सामंतवादियों से ग्राम समाज की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करवा कर खेती करवा रहा है। तथा हादर ब्लॉक में ढेमा में समितियों पे खाद के भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें ब्लैकमेल हो रहा है, कालाबाजारी कर रहे हैं वहाँ के सचिव महोदय, उसके विषय में SDM को जानकारी दे करके उसकी न्यायिक जांच करवाने के लिए दिया गया है।